वेलकम दोस्तों, हाउ आर यू। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पर्सनल हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर मोना, और आज हम बात करेंगे खाना बनाने के तेल के बारे में। अक्सर लोग खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि कौन सा तेल सेहत के लिए सबसे अच्छा है और कौन से तेल के इस्तेमाल से खाने के टेस्ट को और टेस्टी बनाया जाए। तो दोस्तों, तेल को कुचलकर, दबाकर या प्रोसेस करके निकाला जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। आपने सुना होगा कि तेल का यूज कम मात्रा में ही करना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑयल आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। तेल की मात्रा को कम करने के लिए ज्यादातर लोग खाना बनाने में नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, पर शायद आप ये नहीं जानते कि ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, जो दिल के लिए अच्छा रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको उसी ऑयल का इस्तेमाल करना है जो आपके लिए फायदेमंद है। चलिए अब हम बात करते हैं उन सभी तेलों के बारे में जिससे आप अपनी सेहत और खाने के स्वाद को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले है अंगूर के बीज से बनने वाला तेल। अंगूर के बीज से बनने वाला तेल काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पॉलियन सैचुरेटेड फैट की वजह से आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके इस्तेमाल से आंखों की जलन और स्किन की प्रॉब्लम भी दूर होती है। दूसरा है तिल का तेल। तिल के तेल का इस्तेमाल करने से आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं, जैसे एनीमिया, कैंसर, तनाव और डायबिटीज आदि। तीसरा है चावल की भूसी से बना तेल। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा जापान और चीन में किया जाता है। चावल की भूसी से बने तेल में विटामिन ई, एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखता है। चौथा है जैतून का तेल। जैतून का तेल हाई बीपी, शुगर लेवल को कम करने और छोटे बच्चों की मालिश करने में किया जाता है। पांचवा है सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो फैट बर्न और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और खाने में स्वाद बढ़ाने का भी काम करता है। छठा है सरसों का तेल। सरसों के तेल को बहुत पौष्टिक तेल माना जाता है, क्योंकि ये बॉडी में होने वाली एलर्जी को दूर करता है। सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में सबसे ज्यादा किया जाता है। इनके अलावा नारियल ऑयल है, मूंगफली ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं और आपके खाने को और भी लजीज और टेस्टी बनाते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वेबसाइट भी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपकी पर्सनल हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर मोना। गुड बाय, टेक केयर।